हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन लिया है वो एनिमल किंगडम एंड बायो मॉलिक्यूल्स बोथ से लिया गया है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों ही चैप्टर में दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि ये इस चैप्टर से या इस चैप्टर से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन, लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड, किसका पूछ रहा है? आर्थ्रोपॉड्स का। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आर्थ्रोपॉड्स के बारे में ही पूछ रहा है। ये मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि सिर्फ आपको आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पूछ रहा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ, तो आर्थ्रोपॉड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज़ से कंपोज्ड होता है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेल्यूलोस से नहीं होता है। सेल्यूलोस जनरली प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये सेल्यूलोस होगा नहीं। हालांकि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, बट ये प्लांट में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग को आर्थ्रोपॉड पूछ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। काइटिन, सेकेंड में आपको काइटिन दे रखा है, तो यस ये ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो काइटिन है वो आर्थ्रोपॉड्स का एक डिस्टिंग्विशेबल फीचर है। काइटिन जो है आपका आर्थ्रोपॉड्स का डिस्टिंग्विशेबल फीचर है, तो यहाँ पे आपको पूछ ही रहा है। मैंने ये आपको मार्क करके दिखाया है दैट ये हाईलाइटेड है कि ये पूछ किसका रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स का पूछ रहा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, स्पेसिफिकली आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लगाना है काइटिन, क्योंकि आर्थ्रोपॉड्स का ही काइटिन होता है। ये आपको आप इधर आप एनिमल किंगडम में देखो तो आपको पेज नंबर 53 में आपको ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है। आप दो तीन लाइन ही पढ़ोगे सामने का तो आपको पता लग जाएगा। एंड 149 आप देखो पेज नंबर बायो मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स लिख दे रही हूँ एंड यहाँ पे एनिमल किंगडम। तो ये आपका बायो मॉलिक्यूल्स में 149 में दे रखा है एंड आपका एनिमल किंगडम में 53 में दे रखा है। दोनों ही पेजेस पे आपको सामने में क्लियरली आगे में ही आपको दे रखा है। आप देखोगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का लाइन से पूछा गया है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का सिंपली यही आपका ऑप्शन होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन काइटीन। ग्लूकोसामिन ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, आप इतना जान लो बस, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। तो ग्लूकोसामिन तो यहाँ पे होगा नहीं, ग्लूकोसामिन। एंड क्यूटीन, ये तो किसी भी एंगल से नहीं हुआ क्योंकि क्यूटीन तो मोस्टली एनिमल्स के स्किन पे पाया जाता है। इसे ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं इसे बोलती हूँ ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामाइन भी इसको बोलते हैं, ग्लूकोसामाइन ही सही है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।